नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं टेक्निक ज्ञान चैनल। तो आपका बहुत स्वागत है और फिर से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आज फिर से यहाँ पर हम बात करने वाले हैं काफ़ी सारे ढेर सारे कमाल कमाल की क्रमागम न्यूज़ अपडेट के बारे में। लेकिन उससे पहले जो है आपका नीचे प्यार जो है सारा का सारा लाइक बटन के ऊपर निकाल दीजिए, ज़ोर से दबा दीजिए लाइक बटन। वीडियो को लगभग 50 से ज़्यादा जो है लाइक की ज़रूरत है, तो आप कर दीजिए बस। अभी तो मैं यही कहूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब बटन मिल जाता है, दबाकर कर ले चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दे और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं उन सभी को यहाँ पर बधाइयाँ देना चाहूँगा जिनका आज जन्मदिन है। उन सभी को मेरी तरफ से और चैनल की तरफ से उनके जन्मदिन के ऊपर बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आप सबसे पहले जो अपडेट निकल के आ रही है वो आ रही है वैज्ञानिकों की तरफ से। कुछ ना कुछ जो है शोध करते ही रहते हैं। अभी जो है हाइड्रोजन बनाकर, मतलब पानी से हाइड्रोजन बनाते हैं। कुछ दिन पहले एक वीडियो भी यहाँ पर वायरल हुआ था, एक बंदे ने बाइक के अंदर ही ऐसा सिस्टम लगा दिया था कि पानी गर्म होता है, उसका हाइड्रोजन बनता है, फिर उससे जो है बाइक चलती है। लेकिन वो ज़्यादा स्पीड यहाँ पर नहीं पकड़ पाई। लेकिन अभी जो ये शोध किया गया है, इसके अंदर हाइड्रोजन बनती है, उसके साथ जो है सनलाइट को मिक्स करके, मतलब इस प्रकार की एक मशीन बनाई है कि ऊपर लगा दी जाएगी किसी कार के, किसी बस के, तो सनलाइट मिक्स होगी, दोनों काम जो है एक साथ यहाँ पर होने वाले हैं। उसके बाद जो है रॉकेट की तरह कार यहाँ पर दौड़ने वाली है। तो ये वाली टेक्नोलॉजी बना ली गई है। जल्दी ही हो सकता है मतलब किसी ने किसी कार के अंदर या फिर कुछ बाइक्स वगैरह निकल के आ जाए इस प्रकार की। अगली अपडेट दोस्तों हमें निकल के आ रही है रिलायंस जियो की तरफ से। रिलायंस ने यहाँ पर अनाउंस किया है जो जियो 5 वाला डब्बा है, जैसा कि आप अभी फोटो में देख पा रहे हैं, इसको एक्सचेंज आप करा सकते हैं। मतलब एक्सचेंज कराने का ये है कि आप जो है 2200 रुपये कैशबैक पा सकते हैं इसको एक्सचेंज कराने के ऊपर। एक्सचेंज कराएंगे तब आपको जो है यहाँ पर नॉर्मली डब्बे की कीमत होती है 999 रुपये, तो एक्सचेंज कराने के बाद जो है आपको 198 रुपये का रिचार्ज कराना है या फिर 299 का रिचार्ज कराना है। और 99 रुपये वाली जो पार्टनरशिप वाली सिस्टम है जो कि प्रे ऑर्डर बुकिंग के साथ यहाँ पर सिम ली गई थी स्टार्टिंग के अंदर, वो वाली सुविधा भी इसमें होनी चाहिए, जिसको नॉर्मल भाषा में यहाँ पर मेंबरशिप बोलते हैं। और 2200 रुपये जो एक कैशबैक यहाँ पर मिल रहा है, इसके अंदर आपको मतलब 44 वाउचर यहाँ पर मिलने वाले हैं। उन्हीं से जो है वही वाला सिस्टम है, मतलब घुमा रहे हैं जितना घुमाया जा सकता है, लोगों को घुमा रहे हैं। सीधा सा नहीं बोलते हैं कि अपने पैसे से रिचार्ज कराकर चलाते रहिए, ये मतलब फंसा देते हैं। अगली अपडेट दोस्तों हमें निकल के आ रही है बेल्किन की तरफ से, जो कि राउटर बनाने में काफ़ी माहिर है। इन्होंने जो एक वायरलेस चार्जर बनाया है जो कि है एप्पल iPhone 8 Plus या फिर iPhone X, जो भी मतलब एप्पल के वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करते हैं उनके लिए एडवांस हाई स्पीड जो है वायरलेस चार्जिंग एक डब्बा बना दिया इन्होंने, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं। इसके ऊपर 2 मोबाइल फ़ोन यहाँ पर स्मार्टफोन जो है रखे जा सकते हैं। कीमत है इसकी 7000 रुपये, दो एक साथ यहाँ पर चार्ज किए जा सकते हैं। तो 7000 रुपये में अगर आपको ये चाहिए तो ले सकते हैं, अदरवाइज मैं ये कहूँगा जो अडेप्टर आता है वॉल वाला, उससे हाई स्पीड से चार्ज ये वाला नहीं कर सकता है। अगली अपडेट दोस्तों यहाँ पर फिर से निकल के आ रही है एप्पल की तरफ से। एप्पल जो है एक वायरलेस VR हैंडसेट और AR हैंडसेट के ऊपर काम कर रहा है, जो कि मतलब काफ़ी एडवांस यहाँ पर होने वाले हैं इस प्रकार से बताए गए हैं, काफ़ी कुछ जो इनमें होने वाला है। अब रूमर्स तो काफ़ी अलग अलग यहाँ पर चल रहे हैं कि डूल इसके अंदर जो है 8K डिस्प्ले, अलग अलग 2 8K डिस्प्ले यहाँ पर होने वाली है, तो टोटल जो है 16K डिस्प्ले इसके अंदर हो गई। इस प्रकार का एक फंडा जो है एप्पल यहाँ पर बनाकर हमें दे रहा है, तो फ्यूचर में देखते हैं निकल के आता है। तो 2020 का यहाँ पर एप्पल नाम ले रहा है, अब देखते हैं और क्या कर सकता है एप्पल। अगली अपडेट दोस्तों यहाँ पर निकल के आ रही है 53 MW पावर, वो भी सनलाइट से सोलर प्लेट्स वगैरह लगाकर चाइना के अंदर जो है सोलर पावर बूम स्टेशन यहाँ पर बना दिया। बहुत ही बड़ा स्टेशन है ये, अब स्पेस से देखने के बाद जो है नीचे आराम से दिखता है, मतलब एक मैप सा दिखाई देता है, जैसा कि अभी आपको यहाँ पर फोटो में दिखाने वाला हूँ। अंतरिक्ष से देखने पर कुछ इस प्रकार का यहाँ पर लग रहा है, तो उसकी फोटो अंतरिक्ष से यहाँ पर निकाल ली है सेटेलाइट के द्वारा, इस प्रकार दिखने वाला है। 53 MW की बिजली बना देता है, तो काफी बढ़िया जो है पावर सोर्स आप इसे बोल सकते हैं। अगली अपडेट दोस्तों हमें निकल के आ रही है LG की तरफ से। LG ने जो है एंड्रॉयड ओरियो को रोलिंग आउट कर दिया है LG G6 के लिए। तो अप्रैल 30 को जो है सभी के फ़ोन में घंटी बजने वाली है एंड्रॉयड ओरियो की, जिन जिन के पास हैं LG के G6 वाले मोबाइल फ़ोन। अगली अपडेट दोस्तों हमें निकल के आ रही है रोबोट बैंक ये वो वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या करते रहते हैं। तो चाइना के एक बैंक के अंदर, बैंक का नाम जानकर भी क्या करोगे, अजीब सा नाम होता है, उसके अंदर जो है नॉर्मल ह्यूमन कर्मचारी जो काम करते हैं उनकी जगह बैठा दिए हैं रोबोट। अब रोबोट जो है
आपसे पूछेगा कि भाई साहब पैसे जमा कराने हैं, निकालने हैं, या फिर आपके नाम में मिस्टेक है, आपका साइन गलत है, ये सब जो एक रोबोट ही बताने वाला है। सारा का सारा काम रोबोट ही करेगा। आप पैसा जमा कराएंगे तो रोबोट ही पैसा लेने वाला है, रोबोट ही जो है काउंटिंग करने वाला है, रोबोट ही जो है उसे अपडेट करने वाला है आपके अकाउंट में। सारा का सारा काम एक रोबोट कर रहा है। मतलब बैंकिंग के जो कर्मचारी हैं उनकी भी धीरे धीरे यहाँ पर छुट्टी होने वाली है। पता नहीं क्या होगा फ्यूचर में। अगली अपडेट दोस्तों हमारे लिए क्या रही है, शोधकर्ताओं की तरफ से। शोधकर्ताओं ने ये बोला है कि जो VR है, जो आंखों के ऊपर लगाकर हम हंसते कूदते इधर उधर मतलब घूमते रहते हैं, आपको हैक किया जा सकता है। इनका सीधा सा कहने का मतलब ये है कि आपको हैक किया जा सकता है, क्योंकि अगर ऑनलाइन कनेक्टिविटी के साथ ही से VR वगैरह को चलाते हैं तो हैकर जो हैं आपके दिमाग को कहीं और डाइवर्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और बात भी सही है, हमें क्या पता चलेगा हम क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या वो दिखा रहे हैं, काफ़ी कुछ जो है यहाँ पर हो सकता है। तो चेंजमेंट होना भी ज़रूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि हद हो जाए। अगली अपडेट दोस्तों हमने लिए आ रही है नोकिया एक्स की तरफ से। नोकिया एक्स को जो है आईफोन एक्स के डिज़ाइन का यहाँ पर बना दिया गया है, नोच वाली डिस्प्ले इसमें मिल जाएगी, और 16 मई को जो है इसे लॉन्च करने की यहाँ पर बातें हो रही है। कुल मिलाकर सब कुछ बढ़िया है, बस नोकिया जो है यहाँ पर प्राइस वगैरह कुछ ज़्यादा ही ले रहा है। पता नहीं बीच में जो गैप हुआ था या फिर बीच में काम नहीं किया, उसका पेमेंट या फिर कहें उसकी भरपाई कर रहा है हमें लोगों से डबल प्राइस यहाँ पर मांग कर। पता नहीं कब सुधरेगा ये नोकिया। पहले तो अपने आप को मतलब काफ़ी यहाँ पर एडवांस बना दिया, इंडिया के अंदर भी काफ़ी लोगों ने इसे अपना फेवरेट बना लिया कि यूज में लेंगे फ़ोन तो सिर्फ नोकिया का ही लेंगे। लेकिन अभी जो है बीच में माइक्रोसॉफ्ट के साथ यहाँ पर पार्टनरशिप की, फिर नोकिया की जो है डिमांड यहाँ पर कम हो गई, मोबाइल फ़ोन काफ़ी घटिया आने लगे निकल कर, और फिर से जो है ये मोबाइल फ़ोन तो निकल के आ गए नोकिया के, लेकिन काफ़ी हाई प्राइस के अंदर। तो मैं नोकिया को यही बोलूँगा कि कुछ प्राइस जो है ठीक रखिए। अगले अपडेट दोस्तों हमें निकल के आ रही है इंटेल की तरफ से। इंटेल ने जो है 10 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी का एक चिप बनाया, कैनन लैक नाम से जो है चिप तो बना लिया, और डिज़ाइन जो है पूरा डिले कर दिया गया। उसके अंदर छोटा सा एक जो है प्रॉब्लम या फिर बग बोल दीजिए, जो भी बोलिए, उसके अंदर पाया गया, उसके चलते जो है ये पूरा सिस्टम ही खराब हो गया। फिर से बनाएगा इस टेक्नोलॉजी को, दोबारा से जो इंटेल को यहाँ पर बनाना होगा, और बहुत ही जल्दी यहाँ पर इंटेल ने बोला बना देंगे। 2019 आते आते जो है इनको ये बनाना ही होगा, क्योंकि इसकी लॉन्चिंग करनी थी जस्ट कुछ दिन बाद ही, लेकिन ये काम जो है ठीक से यहाँ पर नहीं बन पाया। अगली अपडेट दोस्तों हमें निकल के आ रही है एप्पल की तरफ से। फिर से एप्पल जो है कुछ 4-5 ऐसे मोबाइल फ़ोन निकाल रहा है जिनके अंदर 3D वाली टच तो होने वाली नहीं है। तो एप्पल जो है कुछ पैसे बचा कर कुछ सस्ते जो है मोबाइल फ़ोन यहाँ पर निकाल कर देने वाला है। पता नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे, या फिर उनमें काफ़ी सारे यहाँ पर बग होने वाले हैं। तो 5 से 6 मॉडल जो है मिलने वाले हैं एप्पल के, काफ़ी सस्ते हो सकता है। एप्पल ये सोच रहा हो कि सभी के पास जो एप्पल के फ़ोन हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे मिड रेंज हो, जो भी हो, सबके पास हो जाए एप्पल के फ़ोन। देखते हैं कौन कौन से 5-6 फ़ोन यहाँ पर निकाल कर देता है एप्पल। अगली अपडेट दोस्तों हमारे लिए आ रही है OnePlus 5T की तरफ से। इसमें जो है एक अपडेट भेज कर यहाँ पर जो है बेटा अपडेट इसमें भेजी है, और डबल टैप स्क्रीन के ऊपर 2 बार टैप करने के बाद जो है मोबाइल अनलॉक हो जाएगा, पावर की दबाने की यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं होगी। तो ये अपडेट जो है मुझे कुछ अच्छी लगी, मतलब काफ़ी बढ़िया है। बार बार जो है पावर बटन प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो पावर बटन भी जो है ख़राब हो जाता है, लेकिन टच का क्या बिगड़ता है, टच करते रहो, वैसे भी टच तो होता ही रहता है चाहे पॉकेट में हो। अगली अपडेट दोस्तों हमने लिए आ रही है Xiaomi की तरफ से। Xiaomi ने जो है US मार्केट के अंदर अपना MI इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है वो भी उतार दिया है, और उसी के साथ जो है MI पावर बैंक्स वगैरह भी उतार दिए हैं। अब Xiaomi ने यह बोला है कि अगर UK और 2 इंटरनेशनल मार्केट्स हैं वहाँ पर अगर ठीक से इनकी सेल वगैरह होने लगेगी, तो हमारी साइड यानी इंडिया चाइना जो भी है हमारे वाली साइड में इनकी प्राइस यहाँ पर कम कर दी जाएगी। जैसे कि एक मोबाइल की कीमत है यहाँ पर 9,000 रुपये, तो उसकी प्राइस यहाँ पर हो जाएगी 8,000 कुछ रुपये, 8,000 मतलब 100 रुपये या फिर 200 रुपये, इतनी कीमत यहाँ पर हो जाएगी, क्योंकि उसी प्रकार से उनको हैंडल करने वाला है। अगली अपडेट दोस्तों हमने लिए आ रही है ZTE की तरफ से। ZTE जो है कुछ दिन पहले भी मैंने बताया था कि डबल नोच वाला मोबाइल फ़ोन यहाँ पर निकाल रहा है, जिसके अंदर नोच होने वाली है दो, एक होगी ऊपर की तरफ जैसे फोटो में देख पा रहे हैं, ये वाली छोटी होगी, नीचे की तरफ थोड़ी सी बड़ी नोच होगी, इस प्रकार का पेटेंट बना रहा है। मतलब थोड़ा सा अलग कर दिया है दुनिया के जितने भी मोबाइल फ़ोन्स हैं उनसे, ये डिज़ाइन जो है थोड़ा हटके तो हो गया है, काफ़ी बढ़िया भी है, कुछ अच्छा ही सोचा है ZTE ने। तो ड्यूल नोच के साथ जो है ये वाला फ़ोन मिल जाएगा, पता नहीं कैसा लगेगा, अजीब सा, लेकिन ठीक है, जो भी है निकल के आता है, तो देखते हैं इसमें और होता है क्या। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को कर ले सब्सक्राइब, और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, जोर से वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स को। कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।